हेडिंग डालिए आप टेंस। व्हाट इज टेंस, ये चीज जानना जरूरी है। टेंस को जानने से पहले आप उसका मीनिंग जानो, टेंस क्या होता है। कई बार मैंने स्टूडेंट से पूछा है टेंस क्या होता है, तो स्टूडेंट जवाब देते हैं कि सर टेंस का मतलब तो काल होता है, ये वाला काल। फिर मैं उनसे पूछता हूं यार मुझे काल का मतलब समझ नहीं आया, काल क्या होता है, तो कई सारे बच्चे जवाब देंगे कि सर काल को समय कहते हैं, और समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने स्टूडेंट से टेंस का मतलब पूछा कि टेंस का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बताया काल होता है। फिर मैंने पूछा काल का मतलब मुझे समझ नहीं आया, तो उन्होंने बताया समय होता है, और समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम। तो दोस्तों क्या टेंस और टाइम एक ही चीज हुई या नहीं हुई, बात समझ आ रही है। टेंस का मतलब काल होता है, काल को समय कहते हैं, समय का मतलब टाइम होता है, तो इसका मतलब टेंस और टाइम एक ही चीज हुई या नहीं हुई। टेंस और टाइम एक चीज हुई या नहीं हुई, इस बात को जानने के लिए आप देखना एक बात। अगर टेंस और टाइम एक चीज हुई तो टाइम को टेंस और टेंस को टाइम भी कहा जा सकता है। अगर ये दोनों एक ही चीज हुई तो टाइम को टेंस और टेंस को टाइम इंटरचेंज कर सकते हैं हम। लेकिन क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को ये कहते हुए सुना है कि यार भाई साहब आपकी घड़ी में कितना टेंस हुआ है, नहीं कहे। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को यूं कहते हुए सुना है कि यार मैं तो इतना बिजी हूं आजकल कि मुझे तो मरने का भी टेंस नहीं है, नहीं कहते। दोस्तों टेंस का मतलब अलग होता है, टेंस अलग चीज है और टाइम अलग चीज होती है। टेंस और टाइम एक नहीं होते, दोनों डिफरेंट थिंग है। चाहे आप किसी बुक में देख लेना, डिक्शनरी में देख लेना, दोनों को कंसेप्ट समझाया गया। और एक और चौंकाने वाली बात बता रहा, टेंस का मतलब काल नहीं होता, टेंस का मतलब समय भी नहीं होता। तो फिर टेंस क्या होता है, टेंस मैं बताता हूं। टेंस मुख्यतः लैटिन भाषा के टेम्पस से मिलकर बना है, जिसका मतलब वर्ब या एक्शन होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, टेंस मुख्यतः लैटिन भाषा में कोई वर्ड होता है टेम्पस, उस वर्ब उस शब्द से मिलकर बना है, वर्ब और एक्शन इसका मीनिंग होता है। अब टेंस ऐसे वर्ब का ऐसा रूप होता है जो हमें कार्य होने के समय के बारे में बताता है, यानी द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट कैन टेल अस अबाउट द हैपनिंग और टाइम ऑफ द हैपनिंग और टाइम ऑफ द एक्शन, दैट इज कॉल्ड टेंस। हर कोई वर्ब टेंस नहीं कहलाती। अगर आप इसको टेंस कह रहे हो तो गलत हो, ये तो टाइम को व्यक्त नहीं कर रही। टू गो मीन्स कोई कार्य जाने के लिए कह रहा है, तो इससे समय का बोध कहां हो रहा। हाँ अगर आप इसको यूं कह रहे हो कि इज गोइंग, तो इज गोइंग टेंस होता है। अगर आप इसको यूं कहते हैं वेंट, तो ये टेंस होता है, क्योंकि इससे हमें पास्ट टाइम का बोध हो रहा है, इज गोइंग से हमें प्रेजेंट टाइम का बोध हो रहा है। अगर आप इसको यूं कहते हैं विल गो, तो विल गो टेंस होता है, क्योंकि ये हमें फ्यूचर टाइम का बोध करा है। यानी कि वर्ब का एक ऐसा रूप जो हमें समय का बोध कराता है वही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। इज गोइंग प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, वेंट पास्ट टाइम को डिनोट कर रहा है कि जाने का कार्य पास्ट में हुआ था, और विल गो फ्यूचर टाइम को व्यक्त कर रहा है कि जाने का कार्य फ्यूचर में हुआ था। ऐसी वर्ब को क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, टेंसेस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ये टेंसेस के जो तीन प्रकार देखते हैं हम, वे निम्नलिखित होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस। ये तीन प्रकार के टेंसेज हुए, द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन इज पास्ट टेंस, एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। ये क्या करता है, इट डिनोट्स द प्रेजेंट एक्शंस, वर्तमान समय में होने वाली घटनाओं को प्रेजेंट टेंस से व्यक्त किया जाता है। ये क्या करता है, इट डिनोट्स द पास्ट एक्शंस, अतीत में घटित घटनाओं को पास्ट टेंस से व्यक्त किया जाता है। फ्यूचर टेंस क्या किया जाता है,
फ्यूचर एक्शंस को व्यक्त करता है, जितने भी भविष्य की योजनाएं वगैरह होती है वो सब इससे व्यक्त की जाती है। जैसा कि आपने तीन प्रकार के टेंसेस देखे और तीनों के कार्य आप यहां पर देख चुके हो, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक टेंस की चार अवस्थाएं होती है। प्रत्येक टेंस चार अलग अलग प्रकार के एक्शंस को डिनोट करता है। अब वो चार अवस्थाएं कौन कौन सी होती है मैं आपको बता दूं। एक तो होती है जी सिंपल और इनडेफिनिट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है इनडेफिनिट, यानी टाइम निश्चित नहीं होता है इसका। टाइम तो प्रेजेंट है लेकिन किस समय हो रहा है कार्य ये नहीं बताता। सिंपल और इनडेफिनिट अवस्था प्रेजेंट में होती है, पास्ट में होती है और फ्यूचर में होती है, यानी जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। क्या बताता है? इट डिनोट्स द हैपनिंग ऑफ एन एक्शन। सिर्फ कार्य का होना बताया जाता है। सिंपल अवस्था से हम सिर्फ किसी कार्य का होना बताते हैं, कोई कार्य पर्टिकुलर समय पर या इस समय पर या ऐसा कोई कार्य होता है। दूसरी जो अवस्था आती है इसमें वो होती है दोस्तों कंटिन्यूअस। इस कंटिन्यूअस अवस्था में हम क्या करते हैं, देखना आप, कोई भी कार्य हो रहा है, चल रहा है, तो ऐसे कार्य को या ऐसे एक्शन को हम कंटिन्यूटी से व्यक्त करते हैं, कंटिन्यूअस अवस्था से। वर्तमान समय में कोई कार्य हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, पास्ट टाइम में कोई कार्य हो रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, फ्यूचर टाइम में कोई कार्य हो रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। यानी कि इट डिनोट्स द प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन। कार्य की प्रगति बताने के लिए ही कंटिन्यूटी एस्पेक्ट का यूज किया जाता है। तीसरी बात हम इसे यहां करेंगे, तीसरी अवस्था होती है टेंस की परफेक्ट, परफेक्ट एस्पेक्ट। इस परफेक्ट एस्पेक्ट में क्या बताया जाता है? द कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन, ऑफ एन एक्शन। कार्य की पूर्णता या समाप्ति बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, परफेक्ट, परफेक्ट, जैसा इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बताता है? जब भी पास्ट के किसी निश्चित या अनिश्चित, यानी डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम से कोई कार्य शुरू हुआ वो लगातार रूप से जारी है, तो ऐसे कार्य को परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन से व्यक्त किया जाता है। कोई भी एक्शन हुआ जो पास्ट की किसी निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू हुआ था और लगातार लंबे समय तक चला था, ऐसे कार्य की प्रगति को इससे व्यक्त किया जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से व्यक्त किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस हिसाब से होने वाले एक्शन को हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और मेन पॉइंट पे आते हैं। आप इनको नोट कर सकते हो चाहो तो, इसमें भी लिख देते हैं द प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन, फ्रॉम डेफिनेट और इनडेफिनिट टाइम ऑफ पास्ट। From definite or indefinite time of past. Past के किसी निश्चित या अनिश्चित समय से कोई कार्य शुरू हुआ, लगातार रूप से चला, तो ऐसे एक्शन को हम इसे व्यक्त किया करते हैं। ये चार प्रकार की अवस्थाएं हम देख रहे हैं, ये प्रत्येक टेंस में देखेंगे हम, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, इन तीनों।